दूंगा चोर कर लूंगा मनदा पे मैं पेड़े कम करना शायद कभी डर जाए जरा कहीं ना नहीं दरूद ही पढ़ना खत्म ही पढ़ना ऐ कर कदों तौबा करूंगा उसे डटिया रहना पे चंगे कम चंगे चुंगे कोई नहीं बिल्कुल मैं मेंबर से कहना कि आज़ादी अगर नहीं गए तो उस आज़ादी की कदर करो वो आज़ादी खुदा रसूल तो नहीं आज़ादी तागूत तो आज़ादी कि खुदा दे बागियां जवाब दो अल्लाह रसूल का दीन चलाओ और इसलिए इस आज़ादी के दिन से जिस तरह मैं उस किताब का क्या मेरे साथी जो सुन रहे किताबा लिया खुदा का नाम अनोखा मैं मौजूदी का कोई मुरीद नहीं ना वह कोई खरीदा एक आलम दीन सी दीन मगर मैं यकीन ना आना कि अगर कोई शख्स वो किताबा पढ़ूगा पाकिस्तान का उन्होंने पता लगना कि मुसलमान क्यों बेचारा तड़पता कि मैं गैर मुसलम स्टेट तो नहीं रह सकता किधर रहा मेरा दीन मैं नहीं जीन दिता भाई या इतने इस्लाम लिया नहीं तो मुल्क छड़ दे मसला है कौमीयत और मुसलमान और मौजूदा सियासी कश्मीर हर बंदा इन्होंने दिनों पढ़ो कले कले पढ़ाने की जरूरत है ताकि हर पाकिस्तानी का दिल पक्का हो जाए वे पाकिस्तान के खिलाफ जो भौंकया ना आख्या लकीर मिटा दो सिवाए जो उस मरदूद को गोली मारी जाए वह इलाज कोई नहीं कि तू एक खिता जी इन कुरबानियां लिया तो अल्लाह के दीन नहीं लिया इनू मलिया मेट करना चाहना काम है हुकूमत का बेहद जन अंदर बंद करे मगर अफसोस है कि उन्होंने बुलाया जाता मेहमान बनाया जाता इज्जत की जो अलानियां कहें इस मुल्क की लौड़ नहीं तो आप जड़ से कुलवाड़ा रख दे उन्होंने दानश्वर किया जाए दानश्वर नहीं गद्दार है मिलत दे दुश्मन है दीन दे कि इस्लाम के बागी है कंजर रल के नचते हैं उन्होंने दीन पाई कह दिता उन्होंने हिंदुस्तान बन जाए मुसलमान लड़कियां हिंदुओं के घर ही बसन उन्होंने कुछ नहीं बिगड़ता ये तो जिन्हों के अंदर दीन की कुराई बाकी वह पिटते हैं तो पाकिस्तान मुल्क ना दूजे मुल्क वागू आखो इस्लाम का घर आ और इस घर को बर्बाद करने की कोई कोशिश अंदरों हो बाहरों वो मुखालफत करना मुसलमानों से लाजम है इस खिते दिलों जानो दीवाने होकर रहो इस तो अगर असी दी फौज लिए दुआ कर रहे ला इन्होंने किसी होर काम से ना पा ना ये मुल्क चाहन से ना ये सियासत बढ़न एक गंध है कोई राजी हो नाराज़ हो फौज मुतनाजा हो जूगी ये मुहाफज है सरहदा दे बाहर बहन साढ़े प्राता के कोई फौजी निकले हर आदमी जरा वह हथ हथ अपना खड़ा हो बई साडे मुल्क दे राखे आ साडे भरा उन्होंने मुजाहिद समझ क्यों इस लोची लै आते जब प्लाट लेंदे कभी कुछ अहदे लै लेंगे जिद ना कोई राजी होगा कुछ नाराज होगा मुतनाजा बनाऊ इस तो दुश्मनी ही नहीं खुदा दे बंदो पाकिस्तान की खैर खाई है इस खिते जिन्होंने इन्नी मेहनत ना लिया यदि बेकदरी ना करो इनू नुकसान पहुँचाने की जो आदमी कोशिश करता है तो अफसर चाहिए बे सदी से पाक न सुन गला रसूर ने आख्या जरा सरकारी सवारी लवे और उन्होंने दूसरे कामों वरते गौरमेंट ने नहीं उदरी दी वो अपने बीवी बच्चों को शॉपिंग करवा फिर पुरानी करके वापस करे खुदा दे पैगंबर ने फरमाया कि मेरी उम्मत ना कोई तलब तेनों इस गल दी सरकारी यानी इन्ना कीमती माल है इस्लामी हुकूमत का एक कोई छोटी जी गल इतने करप्शन ना करो रिश्वत ना लो खुदा दे बंदे इन वो बनाओ जिदली पाकिस्तान पाक धरती दुआ है कि अल्लाह तआला इन सही मान पाकिस्तान बनाए और एक एक नौजवान बच्चा जरा उदो जमया नहीं उन्होंने समझ दे कि बकवास करने वाले जड़े आते भी इस मुल्क की कड़ी जरूरत इन्होंने मुँह खे पाओ है इन्होंने मुँह से थुक दो और इन्हों दसो कि इस मुल्क अगर ना लेंगे तो साड़ा इस्लाम ही कोई नहीं वाखिर उदावन अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क मुहम्मद व आलिही व सहाबिह बिस्मिल्लाह अल्लाह ए सवाल एक साथी ने किया बहुत अच्छा रजब की कुर्बानी साबित या नहीं इसकी वजह फरमाया शुक्रिया अगर कुर्बानी रजब में साबित है तो उसकी क्या है मतलब रजब में अमरा का ज़्यादा साहब के बारे में ज़्यादा फरमा दें बिल्कुल रजब हराम महीना और इस जमाने की पिछले दिन के हुक्म जोड़े चले आते वह तहत से अरब भी करते थे मगर जितना होर खराबियां आ गई थी अतीरा इस कुरबानी का ना से एन ते ये रे हेरा अतीरा वह बुतों के नाते कर लग गया बकरे जाके उन्होंने दरबारा से अल्लाह के रसूल ने उन्होंने मना किया कि वह कम ना करो इधर हुक्म दिता कि कुरबानी करो पहला हुक्म करो आखिर तो फिर हुक्म नहीं रहा सवाब आप भी बाकी बहुत फिर ताबीन और नेक लोग करते थे इस तो एक जानवर जबा करना इस महीने जो गरीबा मुस्किनों को खिलाना आप भी खुना अतीरा कुरबानी का इस्तेबाब नहीं मनसूख होया हूँ भी मुस्तहब है नेकी अच्छा होया बच्चे ने याद करा दिता पहला वजूब से लाजमन हर मुसलमान जरा मालदार करे हूँ वो जरूरी नहीं रहा नेकी होगी और कई ताबीन ने की है अलामा अलबानी साहब जी मिशकात जी और जी सुनने अलामा बगवी जो हाशिया सब तहकीक करती हदीसा वगैरह दी
ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਲਮ ਦਾ ਮਰਨਾ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਰਨਾ। ਮੇਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਆਲਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਕੋਈ ਮੁੱਲਾ ਮੁਰਾਣਾ ਮਰ ਗਿਆ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨੋਂ ਕਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤਾਲੀਮ ਔਰ ਤਰਬੀਅਤ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰ ਹਸਨ ਗੀਲਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁ ਅਲੈਹ ਲਿਖੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਾਂ ਨਵਾਬ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਜੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਹੋਇਆ ਬਾਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਮਦਰਸੇ, ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਸਮਝਿਆ, ਬੜਾ ਫਖਰ ਸਮਝੇ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਖਰਚੇ ਪਕਾਉਣ ਦੇਣੇ, ਆਲਮ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਟਾਉਣੇ। ਤਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਕਾਠੀਆਵਾਲ ਦੀ, ਦਰਵੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਖਬਰ ਲਈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪਾਈ ਦੇ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਉਹ ਆਲਮ ਦੇ। ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਬਰਾਹਿਮ ਕਈ ਜੰਮਦੇ ਰਹਿਣੇ, ਆਲਮ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ। ਕਈ ਮਾਨਾ 'ਚ ਆਲਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਇਸ ਪਾਰੋਂ ਦੋ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉੱਠ ਗਏ। ਦੋਵੇਂ ਬੜੇ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੀ ਰਹਿਮਤ ਅਲੈਹ, ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਖਤੀਬ ਸੀ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਅਸਰ ਕਰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਹਿਮਦ ਦੀਦਾਦ ਮਰਹੂਮ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਮਹਾਦ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਹੈਰਾਤੀ। ਤਾਂ ਅਹਿਮਦ ਦੀਦਾਦ ਵੀ ਮਰਹੂਮ ਹੋ ਗਏ, ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਖਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਖੋਏ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਲ। ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁਸਤਹਿਕ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇਕ ਆਲਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਇਸ ਉਮਤ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਨਗੂਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਸਲਾਮ ਸਰ ਬੁਲੰਦ ਰਹੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਆ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਇਰਾਨ ਦੇ ਤਹਿਰੀਕ ਇਸਲਾਮੀ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਜ਼ੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਤਰਬੀਅਤ ਗਾਹ 28 ਅਗਸਤ ਹੈ, ਕੁਛ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਮਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਅਤੇ 28 ਅਗਸਤ ਬਰੋਜ਼ ਐਤਵਾਰ ਲਾਹੌਰ ਮੈਂ ਮੁਨਕਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਹਜ਼ਰਾਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ, ਆਇੰਦਾ ਜਮਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਦੇਣ। ਮਾਸਟਰ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਔਰ ਦੀਨ ਦੀ ਬਾਤਾਂ ਇਮਾਨ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਮਜਾਲਸ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਈਂਧਨ ਪੈਂਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਮਾਨ ਤਾਜ਼ਾ ਰਹੇ, ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਅੱਗ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੀਨੀ ਜਮਾਤ ਬੁਲਾਵੇ ਕਿ ਆਓ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੀਨ ਲਈ ਕਰੀ ਬਹੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਮਜਲਸਾਂ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 28 ਅਗਸਤ ਬਰੋਜ਼ ਐਤਵਾਰ ਲਾਹੌਰ। ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲ ਅਲਾ ਸੈਯਦਨਾ ਵ ਨਬੀਨਾ ਵ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲਾ ਆਲਿਹਿ ਵ ਸਹਿਬਿਹਿ ਬਾਰਕ ਸੱਲਮ। ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਗਫਿਰ ਲਿਲ ਮੁਮਿਨੀਨਾ ਵਲ ਮੁਮਿਨਾਤ ਵਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨਾ ਵਲ ਮੁਸਲਿਮਾਤ ਵਲ ਅਹਿਯਾ ਮਿਨ ਵਲ ਅਮਵਾਤ। ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਅਨਸੁਰ ਅਲ ਇਸਲਾਮ ਵਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ ਵ ਅਖਜ਼ੁਰ ਅਲ ਕਫਰਤ ਵਲ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ। ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਯਾਮੁਰ ਬਿਲ ਅਦਲ ਵਲ ਇਹਸਾਨ ਵ ਈਤਾ ਜ਼ਿਲ ਕੁਰਬਾ ਵ ਯਨਹਾ ਅਨਿਲ ਫਹਸ਼ਾ।